डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर से डायरेक्शन दिया था कि नेशनलाइज बैंक जो है वही पुराने 1000 और 500 के नोट को लेकर एक्सचेंज कर सकते, कोऑपरेटिव बैंक्स को पुराने नोट लेकर एक्सचेंज करने से मनाई थी, बंदी था। मगर आरटीआई से ये पता चला है कि गुजरात कोऑपरेटिव बैंक ने कुल 3,811 करोड़ रुपया पैसा अपने बैंकों में जमा कर उसको बदलने का काम किया है। और अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक जिसके अध्यक्ष आज गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने करीबन 745 करोड़ रुपया 500 और 1000 के नोट को लिया और उसको एक्सचेंज करके दिया। मेरा ये सवाल है, क्या इन लोगों का डेटा भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रखेगी कि ये कौन लोग हैं जिनका पैसा आपने एक्सचेंज किया? धन्यवाद।